हरा हंस जहां मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियां नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। कल आपने देखा भारत के कई लोक संगीतकार ने अपने लोक संगीत से पूरे भारत का दिल जीता। सरिता जी बहुत ही सुंदर था, बहुत बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही जोन में लेके गए आप। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो भारत का अमृत कलश में। और आज है महा ऑडिशन का आखिरी एपिसोड, और आज के एपिसोड के अंत में हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 30 रत्न, जिनमें से कोई एक आगे जाकर के जीतेगा भारत का अमृत कलश। देखते हैं अब तक का लीडर बोर्ड क्या कहता है। पहली बार ऐसा किसी सिंगिंग रियलिटी शो में हो रहा है कि सारे के सारे 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज में हमने ऑडिशंस किए, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने राज्य के लोक संगीत को हर भारतवासी के दिल तक पहुंचाने का। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। हमारे गुरु माननीय कैलाश जी, क्या आपको पता है कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहां से है? वो नालंदा है। क्या बात है। तो जो राज्य इतना पुराना है, जहां शिक्षा इतने पहले से दी जा रही है, वहां की संस्कृति और संगीत कितना पुराना होगा सोचिए जरा। हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं पटना बिहार से। प्लीज वेलकम सम्राट कुमार। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। पहनावा बहुत खूबसूरत और शालीनता लेकर के जो आप आए हैं चल करके, सो क्या गाएंगे आज आप? आज मैं भोजपुरी फोक, जो हमारे यहाँ निर्गुण है, वो मैं आज यहाँ पे गाने वाला हूँ। शुरू हो जाओ बाबू। पागल कहे दाना।
आनंद आ गया। हम अपने गुरुओं के पास चलते हैं। गायत्री जी, आपने एकदम गर्दा उड़ा दिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। लव यू। लव यू टू। खुल के नहीं बोला लव यू टू, बोल के नहीं। ऐसा नहीं मजा आएगा ये, ऐसे मजा आएगा। हाँ भैया, अब बोलिए लव यू टू। लव यू टू। देखो सर, सम्राट हुआ का कमाल करी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसा है, है ना? ये जो आपने गाया, ये संत कबीर जी का लिखा हुआ है ना जी। कमाल है यार, आपने फाड़ दिया, आग लगा दिया, मतलब क्या बोलूं, और शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो गायत्री जी, आपका स्कोर है 10 points. 10 points. ये दसवा पहले ही बोल देते, टेनवा। दसवा, टेनवा। कैलाश जी, बस इतनी मैं बात बताता हूं कि इन्होंने जो गाया उसमें न केवल मनोरंजन है, परंतु एक कोई आध्यात्म का भी एक टच होता है। और एक और विशेषता बताता हूँ ये भोजपुरी गायन की, भोजपुरी गायन में आध्यात्म का बहुत पुट है, परंतु फिल्म वालों ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है अभी तक। वो जब भी दिखाते हैं भोजपुरी गानों में फुहड़ता दिखाते हैं, तो उनको भी शायद इनसे प्रेरणा थोड़ी सी मिले। कैलाश जी, आपका स्कोर है। तो साहब, अगर हमारे गुरुगण इतने उदार हृदय से बहा रहे हैं धन, तो फिर तो हमको भी शंखनाद करना होगा। क्या बात है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हरा जरा छाती वाती फुलाइए, मतलब मजा आ गया है भैया। आपकी गायकी से आपको 50 में से 50 मिले हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। आप जा रहे हो टॉप 30 में। थैंक यू सो मच। पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हमारी जो अगली रत्न है वो बहुत ही छोटी सी है, मतलब इतनी छोटी सी है कि क्या ही बताएं। इनको देख करके एक ही डायलॉग आता है, वो है, छोटी बच्ची हो क्या? प्लीज वेलकम भारत का अमृत कलश की सबसे छोटी कंटेस्टेंट, तमिलनाडु से मुनियामाल। என் பேர் முனியம்மா. நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து எனக்கு கிலோமீட்டரே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல என்னை பெருமையாக கூட்டிகிட்டு வந்த அன்பு உள்ளத்துக்கு நன்றி, நன்றி, எனது வணக்கம். நான் இந்த இடத்துல பாட வந்திருக்க ஸ்டாங்கு வணக்கம் வணக்கம் முனியம்மா. எனக்கு நீங்க
நம்பர் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லலை. இந்த இடத்துல அவ்வளோ ஒரு பகுசியாக இருக்கே அப்படிங்கிறத வந்து நான் பெருமையாக பேசுகிறேன். கை தட்டுங்க. मैं समझ गया सर क्या कहना चाह रही हूँ. नंबर वंबर के लिए नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ अपने प्रांत को, अपने जगह को जो है यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए. सही बोल रहा हूँ ना? तमिल तवर तेलुगु தெரியாத, மலையாளம் தெரியாத, ஹிந்தி தெரியாத, ஒண்ணும் தெரியாத. இந்த இடத்துல வந்து நான் அழுது நின்றாலும் என்னைய யார் எதுக்கு அழுகிறேன்னு கேட்கறதுக்கு தெரியாது. அப்படி இருந்தாலும் என்னைய பெருமையோடு என்னை கைதூக்கி இந்த இடத்துல நிப்பாட்டதுக்கு நன்றி, நன்றி அடந்த வணக்கம். She's telling बहुत कुछ लैंग्वेज मालूम नहीं है, लेकिन जब सुनते हैं अच्छे गाना तो उसको आंसू आता है. तो बहुत धन्यवाद इधर होने के लिए. वो बत நமக்கெல்லாம் அழகழகா குட்டி, நாங்க தமிழ்நாட்டில எல்லாம் கருப்பு. அழகு 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 என்று ஒரு கை தட்டு. ஓகே கைலாஷ் சார், She's telling, सब खूबसूरत लड़कियां हैं इधर तमिलनाडु में. मैं तो काली हूँ, ये सब बहुत गोरे लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं. मैं बस ट्रांसलेट करना चाह रही हूँ. इसी एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं. कम ऑन मुनियम्मा, मुनियम्मा, या 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 जय मां, जय मां, जय मां, जय मां. Bye.
अम्मा फाइनली रुक जाओ तो बताना रुक गई हो. हम तो नहीं रुका जाएगा. आज एम्बुलेंस बना लो भैया. आज कोई एक आधा लेट लगा लंबे में. अम्मा की परफॉर्मेंस के बाद इनकी परफॉर्मेंस वो ताकत है मुर्दों को जगा दे. ओ हाँ जी किससे स्टार्ट करेंगे अम्मा? नहीं हाँ मैं ही स्टार्ट करूँगा. गायत्री जी என்ன சூப்பரா பாடிங்கற பிரமாதம் और हमसे ऐसा एक्सरसाइज करवा रहे हैं. मैं सोच रही थी इधर कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रहा है लेकिन क्या जबरदस्त कार्डियो दे रहे हैं सबको. कमाल कमाल धमाल बवाल जो भी नाम देते हैं धमाका परफॉर्मेंस. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எனக்கு வணக்கம் தான் சொல்ல தெரியும். வேற இங்கிலீஷில் தெரியாது சாமி மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆமாம் அவ்வளோதான். அம்மா தூசரே கே பாஸ் பி ஜானா ஸ்னேஹாஜி. அம்மா சூப்பர் ஸ்டார். ஆஜ் சே ஹர் கோய் அம்மா கோ புலாயேகா அம்மா சூப்பர் ஸ்டார். கேலாஷ் ஜி मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ. भारत का अमृत कलश. देखिए हम रत्नों की तलाश करने गए थे लेकिन रत्न ने जैसे भारत का अमृत कलश तलाश लिया हो. ये सिर्फ गायकी के लिए बना नहीं है शो. ये सिर्फ संगीत का मंचन मनोरंजन उसके लिए नहीं बना है. ये भारत को भारत के दर्शन कराने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर हम चले और दूरदर्शन और KPL इन दोनों का ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल समझिए है कि ये हमें हीरे तलाशने थे और हीरो ने हमें तलाश लिया. माँ आप बोल रहे थे कि आपका श्यामल वर्ण है. श्यामल वर्ण जो होता है वो परमात्मा का होता है. माँ माँ दुर्गा काली रूप में आई हैं. सबसे उनका जो रुद्र रूप है वो काली माँ के रूप में है. तो आप तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं. माँ बहुत प्यारी हैं आप. बस ऐसे ही रहिएगा. ये हमारा हमारा शो इसको इतनी आशीर्वाद मिल रहा है. आप जैसे महाविभूतियों को पाकर पूरा भारत विश्व तक गर्व कर रहा है और आपके तो चर्चे हो रहे हैं. बहुत बढ़िया बहुत ही. मेरे गुरुओं ये जो इनके आंसू हैं ये पीड़ा के आंसू नहीं ये सुख के आंसू हैं. ये खुशियों की प्रसन्नता के आंसू हैं. इसी के साथ आप टॉप 30 में अपनी जगह बनाती हैं. कैलाश जी वैसे तो मेरे अंदर सब कुछ परफेक्ट है लेकिन जब भी मैं संगीत गाता हूं ना तो मेरे अंदर काफी उतार चढ़ाव आते हैं. कैसे? वो ऐसे कि जब भी मेरे सुर उतरने लगते हैं लोग मुझ पर चढ़ने लगते हैं. लेकिन जो हमारे अगले रत्न आ रहे हैं इनके सुर उतार चढ़ाव देख करके हम सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं. पिछली बार भी हो गए थे इस बार भी होंगे यकीनन. प्लीज वेलकम झारखंड से धनेश लोहरा. क्या गाएंगे आज आप? आज मैं मर्दाना झूमर के अंतर्गत ठेठ नागपुरी भाषा का ये लोकगीत सुनाने जा रहे हैं जो राधा स्वरूप एक अति सुंदर नारी को जब नज़र पड़ता है तो अचंभित हो जाते हैं.
अचरज में पड़ जाते हैं कि इतनी सुंदर भी नारी हो सकती है। और तब से वो दिन रात उनका नाम, उनका छवि अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। सांझ समाए गौरी, सांझ समाए गौरी, निकलाली ब्रजा खोरी, जाते देखाली एक, जाते देखाली एक, अचरज नार हाय रे, अचरज नार, सही रूप दूतिक मन बिसरे नहीं पारी, साचे बिसरे नहीं पारी, जाते देखाली मुई तो, जाते देखाली एक, अचरज नार हाय रे, अचरज नार, सही रूप दूतिक मन बिसरे नहीं पारी। जाते देखाली मुई तो, जाते देखाली मुई तो, अचरज नार हाय रे, अचरज नार, सही रूप दूतिक मन बिसरे नहीं पारी, साचे बिसरे नहीं पारी। हमारे यहाँ भी जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में सर लोकगीत संगीत को प्राथमिकता दिया जाता है, परंतु वो कतार में सबसे पीछे रहता है। इस चीज से हमें दुख हुआ है, बहुत बार हुआ है सर। आज इस मंच में हम झारखंड का लोकगीत को मैं सुना रहा हूँ पूरा भारत को, और इतने बड़े मंच से तो भावुक होना स्वाभाविक है सर। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। धन्यवाद धनेश जी, आपका ये जो पैशन है ना लोक संगीत के बारे में, ये मुझे बहुत दिल से आपने बोला, बहुत अच्छा बोला। नरेश जी, बहुत बहुत एक सच्चाई के साथ आपने गाना गाया, यहाँ प्रस्तुत किया, और ये जो मैसेज आप देना चाहते हैं भारत का अमृत कलश के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने भारत का कल्चर को, लोक संगीत को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। 10 में से 8, धन्यवाद। 10 में से 8, धन्यवाद कैलाश जी। अरे वाह, फिलहाल जो अगले रत्न आने वाले हैं वो त्योहारों की भूमि से आते हैं, श्वेतु ऋषु। आप बताइए कि आप जो हैं वो क्या गाने वाले हैं आज? The song which I'm going to sing is Nehveri, which means you are handsome or beautiful. Nehveri nazo sen o den, Nehveri nazo sen o den, in ek baki no trek sali haze chef me khan. कमाल है जो आपने किया, जो आपका प्रेजेंटेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपने यूनिक प्रेजेंटेशन दिया, इसलिए वाओ डेनमार्क। तो गायत्री जी, स्नेहा जी 10 पॉइंट्स, कैलाश जी 15 पॉइंट्स। प्लीज वेलकम खोमुरामा
from Telangana. So tell me, what are you going to sing? Love song. All of us so happy. God bless you. Thank you, ma'am. Mind blowing, mind blowing. Thank you. 10. 10 में से 10. 10 में से 10. 30 marks. Wow. पहली बार में भारत का अमृत कलश अमृत कलश अमृत कलश। अब जो हमारे अगले सिंगर आ रहे हैं उनके अंदर महाराष्ट्र की मिठास भी है, योद्धा सा शौर्य भी है, जो सब कुछ उनके लोक संगीत में झलकता है। महाराष्ट्र का संगीत एक ऐसा राग है जो यहाँ के लोगों के दिलों में गूंजता है। प्लीज वेलकम सितेश जादव। इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश अमृत कलश अमृत कलश। आप जो है क्या गाने वाले हैं हमारे गुरुओं को बताइए। आज मैं महाराष्ट्र की तकरीबन 1200 साल पुरानी जो लोक परंपरा है गोंधड़ जिसे हम कहते गोंधड़ फॉर्म वो आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। All the very best. हम बहुत excited हैं। चलिए, देखते हैं। Gaurich
संगीत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मराठी पुरी स्नेहा अंगाला काटे आले। अरे काटे आले, तुम्हाला पण अंगाला काटे आले का साहेब? मी खूप छान, खूप छान, खूप छान। एक्चुअली आपका ये परफॉर्मेंस देख के लग रहा था कि संत अपने मस्त मगन होके अपना आराधना कर रहे थे गणपति का। यही भारत का अमृत कलश का मकसद है कि भारत का रंग रूप पूरी दुनिया को दिखाए। जो ये जलवा आपने दिखाया, आई एम श्योर कि दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ ये दूरदर्शन देखा जाता है, सब आपको अप्रिशिएट और सलाम करते रहेंगे। मूलाधार स्थितम नित्यम ले गणेशा, जो चक्र है मूलाधार, ही सिट्स देयर, ही एक्टिवेट्स दैट। सो टुडे दैट इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो। ऐसा एनर्जी आपने, यू अपलिफ्टेड द एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ अस। योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, वन हु इज मेडिटेटेड बाय द बिगेस्ट ऑफ द योगीज, दैट इज गणेशा, रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। तो ऐसा भक्ति का सागर, यू नो, यू जस्ट इमर्स्ड ऑल ऑफ अस इन दैट भक्ति सागर, एंड इट वाज सेक्रेड, ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हम मार्क्स भी ले लेते हैं। गायत्री जी, 10 10 10, तीनों के तीनों में 30 दे रहा। कैलाश जी, गजवदना गजानना, वाह भैया वाह। सामान्यतया जब भी भगवान की स्तुतियां गाई जाती हैं तो बहुत अलग रस में गाई जाती हैं, शांतता में गाई जाती हैं, परंतु परमात्मा को ऐसे भी नाच के भी और बहुत सारे ड्रम्स बजाकर भी मनाया जा सकता है। उनकी सौंदर्य वर्णन ऐसे भी हो सकता है, ये एक पक्ष रखा है कि ऐसे भी होता है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये मेरे गणपति, मेरे दाता की भूमि है, यहाँ उनको ध्याया जाता, उनको मनाया जाता है, ये प्रभाव दिख रहा है इनमें। और ये जो आपके संगतिकार हैं, जरा इनका भी परिचय दीजिए। ये मेरा विद्यार्थी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का मेरा विद्यार्थी ऋषिकेश देशमाने। ये जो वाद्य है इसको संबल बोलते हैं। संबल, वाह जी वाह। आप दोनों का भारत का अमृत कलश के मंच पर बहुत हृदय से आभार है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपके लिए नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि गुरुवर ने हमारे ऐसा हमारे अंदर
उन्मत्तता भर दी है अपने नंबर देकर कि मैं आपके लिए शंखनाद दूंगा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। इसी के साथ आप जाते हैं हमारे टॉप 30 में। तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हमारी जो अगली रत्न है, इनका नाम और इनका संगीत दोनों में ही देश है। प्लीज वेलकम हरियाणा से विधि देशवाल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। क्या गाने वाली हैं आज आप? मैं हरियाणवी लोक गीत गाने वाली हूँ। वाह, तो बिल्कुल आज बेझिझक बिना डर परफॉर्म करिए। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं तो मर जाऊंगी। क्या बात है, बहुत खूब। अब समझ में आया मुझे इनके इतने फॉलोअर्स चाहने वाले क्यों हैं। अब समझ में आया। वाह, सीधा हमारे गुरुओं की तरफ चलेंगे। हाय विधि। हेलो मैम। मुझे ये जो गाना आपने प्रस्तुत किया उसका धुन भी बहुत अच्छा लगा, अलग है, और आपने इतने ईज से परफॉर्म किया, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से भी परफॉर्म किया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू देवो सर। विधि, आपका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन रहा, एक आपका अटायर और मतलब जो वेशभूषा आपने पहन के आए हैं और जो फोक आपने गाए हैं, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने बड़ा प्यारा गाया और प्रस्तुति का तरीका भी वही है जैसे स्वांग होता है,
दरअसल ये जो फोक कल्चर जो है इसमें एक बात है, ये सिर्फ गायकी का मंच नहीं होता। फोक, फोक कहते ही हम अभिनय भी कर रहे हैं, फोक कहते ही हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। आपने उसमें बहुत प्यारी भूमिका निभाई। और इसी के साथ हम आपके मार्क्स भी ले लेते हैं। 7 points, 7 points, 9 points, कैलाश जी 18 पॉइंट्स। क्या बात है, इसी के साथ आपका टोटल स्कोर होता है 41। तब तक के लिए यहां आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। महा ऑडिशन के 3 हफ्तों में हमने देखा 36 राज्यों से आए हुए 37 रत्नों के परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले मैं वो नाम अनाउंस करता हूं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑलरेडी टॉप 30 में अपना स्थान निश्चित किया है। मणिपुर से बेनिता लाइचराम, उत्तर प्रदेश से सौम्या मिश्रा, वेस्ट बंगाल से अर्पण चक्रवर्ती, त्रिपुरा से रमा कर्माकर, राजस्थान से अनीता कंवर, चंडीगढ़ से संजना भोला, मध्य प्रदेश से देव नारायण जी, सिक्किम से करुणा अधिकारी, पंजाब अमृतसर से सुखजिंदर जीत यमला, आसाम से डॉली तालुकदार, हिमाचल प्रदेश से मेधा शर्मा, बिहार से सम्राट कुमार, तमिलनाडु से मुनियम्माल, तेलंगाना से कोमुरामा, महाराष्ट्र से सिद्धेश यादव और राजस्थान से मीर जुल्फिकार। आप सभी का फिर से एक बार इस मंच पर स्वागत है और आपने अपनी जगह टॉप 30 में बना ली। और अब मैं बचे हुए सारे रत्नों को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। अब मैं वो 7 नाम अनाउंस करूंगा जो लीडर बोर्ड में सबसे नीचे है और जिन 7 लोगों के नाम मैं अनाउंस करूंगा वो एक एक करके एक स्टेप आगे ले लीजिएगा, ठीक है? तो जो पहला नाम है वो है अंडमान से नीता लीजा और उनका स्कोर है 33। हमारा जो दूसरा नाम है लक्षद्वीप से मोसीन और उनका स्कोर है 37। हमारा जो तीसरा नाम है गोवा की जानकी परब और उनका स्कोर है 39। हमारा जो चौथा नाम है चेतियन ब्रेटली मेघालय से और उनका स्कोर है 39। पांचवा नाम है झारखंड से धनेश लोहरा का और उनके स्कोर हैं 40। हमारा जो छठा कंटेस्टेंट है वो है हरियाणा से विधि देशवाल और उनका स्कोर है 41। जो 7वां नंबर है उसमें 2 कंटेस्टेंट्स के स्कोर टाई हुए हैं। उनमें से पहला नाम है पुदुचेरी से सुरेश कुमार और उनका स्कोर है 43। और जो दूसरा नाम है वो है नागालैंड से श्वेतो रेसु, उनका भी स्कोर है 43। महागुरु, इन दोनों के बीच में जो है टाई हुआ है और हमें तो टॉप 30 निकालने हैं, तो जिम्मेदारी जो है वो आप पर आती है। देखिए, कलाकार तो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही अच्छे और दोनों ही हमारे हैं। बात तो दोनों में ही है कुछ कुछ तो, लेकिन इस तरफ क्या है, जो अपने सुरेश हैं ये गायकी में हैं, ध्यान दीजिए। इधर क्या है, गायकी और प्रस्तुतिकरण, वो ऐसे काम, इसको कम ना माना जाए लेकिन ऐसे काम
थोड़ा अभी नए थिएटर की तरफ का ज्यादा लेके चलेंगे अगला, क्योंकि शो हम डिजाइन कर रहे हैं कि ऐसे ही स्वांग थिएटर इस पर भी एक कार्यक्रम लेके आया जाए, तब इनको जरूर खींच के लाएंगे कोहिमा से हम, तो इनको प्रणाम कर लेते हैं। जो टॉप 30 पे सेलेक्ट हो रहे हैं उनका नाम है पुदुचेरी से सुरेश कुमार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। चलिए आप तमाम लोगों का, हमारे जो 7 कंटेस्टेंट हैं जो आगे की यात्रा नहीं कर पाए, उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहां तक आए। और अब बाकी हमारे तमाम जो वहां स्टेज पर बैठे हुए हैं इत्मीनान से सोफे पे आ जाइए। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। है खुलने को तैयार मेरे भारत का, भारत का। प्रेजेंटिंग भारत के सबसे बड़े लोक संगीत रियलिटी शो भारत का अमृत कलश के टॉप 30, जो आगे आने वाले दिनों में संगीत के अमृत कलश को अपनी प्रतिभा से भरेंगे। अगले हफ्ते शुरू होगा एक नया पड़ाव और शुरू होगी टॉप 15 तक पहुंचने की जंग। अब अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। हम आखी देखनी सुनर शरीर यज्ञ में जर लाए राम, हम आखी देखनी सुनर शरीर यज्ञ में जर लाए राम। पतली सी शरीर में इतना तगड़ा वॉइस,